फाइनली गाइस टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है। आज के वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ आप रोपोसो ऐप कैसे चला सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब से टिकटॉक बैन हुआ है तो सारे टिकटॉक यूजर रोपोसो ऐप पे आ चुका है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ रोपोसो पे अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, वीडियो अपलोड कैसे करना है, रोपोसो वीडियो साउंड पे अपना वीडियो कैसे बना सकते हैं, या फिर रोपोसो पे डुइट वीडियो किस प्रकार बनाने हैं, यानी कि आपको मैं एक एक ऑप्शन को यूज करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आप लोग करते क्या हो, वीडियो को एक से दो मिनट तक वॉच करते हो, इसके बाद बैक कर देते हो। इससे क्या होगा, आप लोगों का अधूरा ज्ञान होगा और कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आप लोगों को पता होना चाहिए अधूरा ज्ञान जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर जाता है। हमें इससे नुकसान नहीं है, वीडियो आप एक मिनट देखो या फिर दो मिनट देखो, एक मिनट भी देखोगे फिर भी हमारे वीडियो पे एड्स आएंगे और पैसे आ जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे टाइम बर्बाद हो जाएंगे जो एक से दो मिनट आप वीडियो को वॉच करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, यदि वीडियो आप लास्ट तक देखते हो तो बहुत कुछ सीख के चले जाओगे। तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फाइनली गाइज आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल प्ले स्टोर ओपन करना है, सर्च बार में सर्च कर लेना है रोपोसो ऐप। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया हूँ। सर्च करने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो सिंपल इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाता है, तो सिंपल आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन में काफ़ी सारे लैंग्वेज सपोर्टेड है, तो आप एक लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल में मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, तो सिंपल मैं मोबाइल नंबर टाइप्स कर देता हूँ। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही आपका रोपोसो ऐप एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। यदि आपने रोपोसो ऐप पे अकाउंट नहीं क्रिएट किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बताया हूँ प्रॉपर से आप रोपोसो ऐप पे अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। इसके बाद रोपोसो ऐप ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप वो एक एक ऑप्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे ऊपर देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप के TS लिखा हुआ है, तो क्योंकि मेरा नाम जो है टेक्निकल शैलेंद्र है इसलिए यहाँ पर TS लिखा हुआ है। तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रोफाइल ओपन हो जाता है, तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, इसे हम बैक करते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फाइंड का, सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल और पोस्ट। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यदि किसी को आपको फाइंड नाम से फाइंड करना है तो सिंपल मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ शैलेंद्र, ओके करता हूँ। तो आपको देख सकते हैं जो रोपोसो ऐप पे जो शैलेंद्र के नाम से जो अकाउंट क्रिएट किया गया है वो यहाँ पे अकाउंट शो कर रहा है। तो इस तरह से आप किसी को फाइंड भी कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर 120 के आसपास कॉइन दिखा रहा है, तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो अर्निंग जो है कितना हुआ है, तो 120 के आसपास कॉइन हो चुका है। यह भी 10,000 के आसपास अब कॉइन हो जाएंगे, तो इस कॉइन को अपने पेटीएम के आसपास पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं, क्योंकि इसे पेमेंट मेथड पे यदि वीडियो बनाऊँगा तो एक प्रॉपर वीडियो बन जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएंगे। इसके बाद यदि आप इस वीडियो को कुछ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ देखने को मिल जाता है लाइक, यानी कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो पे कितने लाइक्स आ रखे हैं। यहाँ पे यदि आप गिफ्ट सेंड करना चाह रहे हैं तो गिफ्ट भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर अभी वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद नीचे आता है व्हाट्सअप, यदि इस वीडियो को यदि व्हाट्सअप पर अगर शेयर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप व्हाट्सअप पर भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद नीचे आता है आपका डाउनलोड, यदि वीडियो इस वीडियो को आपको जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपको डाउनलोड हो जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको वाटर मार्क देखने को मिल जाएंगे। विदाउट वाटर मार्क वीडियो डाउनलोड करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में एक वीडियो का लिंक मैंने दे चुका हूँ, तो जाकर देख सकते हैं। इसके नीचे आता है कॉलअप, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं यूज म्यूजिक और मिक्स एंड मैच। तो सबसे पहले मैं यूज म्यूजिक पर क्लिक करता हूँ। यूज म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस साउंड पे कितने व्यक्ति वीडियो बना रखे हैं, वो सारे के सारे वीडियो यहाँ पे शो कर देंगे। लेकिन इस साउंड को आपको सेलेक्ट करना है तो सिंपल आपको यूज आइडियो पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप चाहे तो इसी साउंड पे वीडियो को शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है कैमरा का, यानी कि फ्रंट करना है या फिर बैक करना है। तो सिंपल मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। सिंपल देख सकते हैं यहाँ से आपका जो कैमरा जो है और यहाँ से आपको फ्रंट हो जाता है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसे मैं बैक कर देता हूँ। इसके बाद सेकेंड में आपको आ जाता है
ब्राइटनेस, सॉरी फ्लैश लाइट, यहाँ से फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थर्ड पे आ जाता है ब्राइटनेस, यहाँ पे देख सकते हैं आप कम बेस भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर में कुछ ऑप्शन ऐसे इस तरह के आ जाता है, और फाइव नंबर में आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप स्पीड सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो में देख सकते हैं स्लो मोशन या फास्ट मोशन, तो इस तरह से आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे आपको दो वीडियो, यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पे आपसे, यहाँ से अगर प्ले करेंगे वीडियो को तो जो वीडियो आपको चल रहा है उस आपको साउंड साउंड सुनाई देगा, तो यहाँ से आप प्ले कर सुन सकते हैं। इसके बाद आता है ड्राप, यानी कि जो वीडियो यहाँ पे सेट शूट करेंगे तो इस वीडियो को यदि सेव करना चाहते हैं ड्राप में तो डायरेक्ट आप ड्राप में भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप वीडियो यदि शूट करना है तो सिंपल आपको यहाँ पर इस आइकन, कैमरा के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके बाद आपको आता है एल्बम, एल्बम में क्या है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो गैलरी में वीडियो जो होंगे सारे के सारे वीडियो शो कर देगा। सैंपल मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं मेरा जो गैलरी में वीडियो है सारे के सारे वीडियो यहाँ पे शो कर रहा है। तो सिंपल मैं आपको एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद डन करता हूँ तो आप देख सकते हैं वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट तो हो चुका है। तो सेलेक्ट करने के बाद कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे तो वीडियो आपको नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, यानी कि अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद सेकेंड में आता है डिलीट, यदि इस वीडियो को आपको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाते हैं। इस वीडियो में कुछ यदि एडिट करना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरह से आपको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे फिलहाल में हम बैक कर लेते हैं, बैक करने के बाद यदि इस वीडियो में आपको इफेक्ट ऐड करना है तो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और काफ़ी सारे आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। जो भी इफेक्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम डन करते हैं, तो मैंने इफेक्ट ऐड कर दिया। इसके बाद स्टिकर्स आता है, यानी कि आप कुछ स्टिकर यूज करना है तो आप स्टिकर भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद सॉरी मैंने वीडियो यहाँ बैक हो गया हुआ है तो मैं फिर से बैक वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टिकर के बाद आता है म्यूजिक, म्यूजिक में क्या है, यदि आप कोई अदर म्यूजिक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में यानी गैलरी में म्यूजिक है तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा साउंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम बैक कर लेते हैं। इसके बाद आता है ड्रो मैजिक, ड्रो मैजिक अगर कुछ ऐसे इस तरह से आप करना चाह रहे हैं तो ड्रो मैजिक भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं तो आप देख भी सकते हैं। इसके बाद इसे हम बैक कर लेता हूँ। इस वीडियो को अपलोड करना है सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आपको कैप्शन जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो फिलहाल में फर्स्ट कैप्शन आपको क्या लिखना है ध्यान से समझना, जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं उसके बारे में डालना है विदाउट हैशटैग। इसके बाद सेकेंड हैशटैग डालेंगे, वीडियो के बारे में जो बता रखे उसी वीडियो के साथ हैशटैग लगा के डालना है। इसके बाद हो गया हैशटैग रोपोसो, हो गया हैशटैग रोपोसो इंडिया, हो गया हैशटैग ट्रेंडिंग, हो गया हैशटैग वायरल, हो गया इस तरह का आपको हैशटैग यूज करना है। यदि इस वीडियो का आपको ट्विटर या फिर फेसबुक पर शेयर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपको इनेबल कर देना है। तो फिलहाल मैं इसे मैं ऑफ ही रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ से आपको पोस्ट कर देना है, जैसे ही पोस्ट करेंगे तो वीडियो आपको अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल मैं वर्किंग नहीं कर रहा था, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब अपलोड हो रहा है तो वीडियो आप अपलोड करके चेक कर सकते हैं। इसे हम बैक करते हैं, लगभग यहाँ पर सारे ऑप्शन बता चुका हूँ, इसके बाद इसे हम बैक करते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पे फोटो, तो यहाँ पे फोटो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फोटो भी शूट कर सकते हैं, इसके बाद वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है टाइमर, तो टाइमर पे आपको सेलेक्ट करता है, जैसे कि वीडियो आप शूट करेंगे तो यहाँ पे टाइमर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने सेकेंड के आपको वीडियो शूट करना है। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद किसी भी वीडियो को आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ टाइप्स के यहाँ पे चैनल देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि फॉर यू में, यानी कि वीडियो आपको अच्छे खासे होंगे, अच्छे खासे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे स्टार्टिंग में, तो आपका वीडियो फॉर यू पेज पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर कई सारे चैनल आपको देखने को मिल जाते हैं, भक्ति चैनल हो गया, कॉमेडी चैनल हो गया, तो आपको जो भी वीडियो देखना है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पंजाबी हो गया तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको पंजाबी सॉन्ग यहाँ पर सुनने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं फॉर यू पेज पे ही रहने देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ इसके बारे में मैंने बता चुका। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है कैमरा का, कैमरा के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको डायरेक्ट सेम है प्रोसेस वीडियो को शूट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसे बैक करता हूँ। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो पे आपके 6.1 मिलियन के आसपास व्यूज है, 3.7K के आसपास कमेंट है। तो इस यूज़र को यदि फॉलो करना है या फिर फॉलोवर देखना है तो फॉलो करने के लिए आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं या फिर अनफॉलो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ब्यूटी खान का। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका ब्यूटी खान के जो है रोपोसो है 272K के आसपास फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुका है, ये देख भी सकते हैं। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम से इसने लिंक भी किया है तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। यदि इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे आपको शेयर करना है प्रोफाइल को तो शेयर कर सकते हैं, ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर सकते हैं, और इसे आपको रिपोर्ट मारना है तो यहाँ से रिपोर्ट मार सकते हैं। इसे हम बैक कर लेते हैं।
इस वीडियो पे यदि क्या क्या कमेंट आ रखा है, यदि रीड करना चाह रहे हो तो सिंपल कमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कमेंट भी देख सकते हैं क्या क्या कमेंट आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाते हैं। सॉरी गाइस, इस पर क्लिक करूँगा, थ्री डॉट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं जो है साउंड म्यूट नोटिफिकेशन फॉर दिस वीडियो, यानी कि म्यूट करना चाह रहे तो म्यूट भी कर सकते हैं, कैंसिल करना है कैंसिल कर सकते हैं। शेयर पे क्लिक करेंगे तो शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो को व्हाट्सअप इंस्टाग्राम डाउनलोड कॉपी इसके बाद अदर जो भी आपको करना है, यदि वीडियो का लिंक कॉपी करना है लिंक कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाह रहे हैं और व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे शेयर करना चाह रहे हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे ऑप्शन यूज हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करने के कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ से आप चेंज डीपी कर सकते हैं। तो चेंज डीपी करने के लिए सिंपल एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज डीपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको हो गया फॉर्म लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। गैलरी में जो भी फोटो होगा आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक फोटो सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद इसे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ तो देख सकते हैं फोटो जो हमारा है डीपी का चेंज हो चुका है। तो इस तरह से फोटो के डीपी चेंज कर सकते हैं। इसे हम बैक करते हैं। इसके बाद नीचे तो यहाँ पे मैं डीपी चेंज कर चुका हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आपने वीडियो जो भी देखे हैं फिर वीडियो अपलोड किए हैं कितने कॉइन्स हैं यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फॉलोवर्स है तो देख सकते हैं कितने फॉलोवर्स हैं, फिलहाल में जीरो ही है तो आप लोग यार सपोर्ट करो फॉलो करो। इसके बाद नीचे की तरफ आता है यदि प्रोफाइल को यदि शेयर करना चाह रहे तो शेयर कर सकते हैं। नीचे की तरफ आता है एक क्रिएट, यहाँ से अभी डायरेक्ट वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ पर आता है नोटिफिकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं आप वीडियो पे किसने कमेंट किया है किसने लाइक किया है, फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इस प्रोफाइल को अगर शेयर करना चाह रहे तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस वीडियो को आपने लाइक किए हैं या वीडियो को आपको वॉच किए होंगे तो यहाँ पे शो करेगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को मैंने सारों को लाइक कर चुका हूँ। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिल जाएंगे जो भी आप वीडियो आपने अपलोड कर चुके हैं। इस नीचे की तरफ आपको आएंगे तो एक यहाँ पे कैमरा का आइकन मिल जाएंगे जहाँ से आप वीडियो डायरेक्ट भी शूट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को मैंने ऑलरेडी यूज करके बता चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे आते हैं हम एडिट प्रोफाइल पे तो सिंपल कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ आता है आपको इनवाइट फ्रेंड, यदि आपको फ्रेंड को इनवाइट करना चाहते हैं तो इनवाइट कर सकते हैं। हाउ रोपोसो वर्क, रोपोसो ऐप पे क्या क्या काम होता है, आप यहाँ पे पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्या क्या वर्क है, तो यहाँ पर सिंपल क्लिक कर सकते हैं क्या क्या काम कर रहे हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है चेंज लैंग्वेज, यदि आपको रोपोसो ऐप में जो लैंग्वेज आपने गलत चूज़ कर ली है तो लैंग्वेज चेंज करना चाह रहे तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। चेंज वीडियो लैंग्वेज, वीडियो का लैंग्वेज चेंज करना चाह रहे तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। रोपोसो कॉइन, आपके रोपोसो अकाउंट पे कितने कॉइन्स हैं यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आता है अकाउंट सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फर्स्ट ऑफ आता है प्राइवेसी, प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक लिस्ट हो गया, ब्लॉक लिस्ट हो गया, जिसे आपने ब्लॉक किए होंगे वो शो कर सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं हाइड माई अकाउंट फ्रॉम सर्च इंजन, यदि आप जैसे कि आप कोई प्राइवेट अकाउंट आप बनाना चाह रहे हैं तो यदि आप अकाउंट बना रहे हैं आप सोच रहे हैं किसी को नहीं दिखे तो यहाँ पे आप इनेबल कर देंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद आता है चेंज लैंग्वेज, तो यहाँ पे से भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं यानी कि चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है कॉन्टैक्ट अकाउंट, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे फेसबुक हो गया गूगल से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आता है नोटिफिकेशन सेटिंग, तो सिंपल क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे सेटिंग आपको देखने को मिल जाएंगे तो वन बाय वन करके रीड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएंगे। इसके बाद बेबैक करेंगे, यदि आप इस अकाउंट को लॉग आउट करना चाह रहे तो यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग मैंने ऑप्शन को यूज करके बता चुका हूँ। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे अकाउंट सेटिंग आ गया। इसके बाद नीचे आता है हेल्प यूज, यहाँ पे क्या आता है जैसे आप रोपोसो ऐप यूज कर रहे हैं यदि किसी भी प्रकार का एरर आ रहा है कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप रोपोसो ऐप यानी कि डेवलपर को आप यहाँ से मेल कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मेल कर देना तो ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द आपको सोल्व हो सकता है। इसे हम बैक करते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा टर्म एंड कंडीशन, यानी रोपोसो ऐप यूज करते थे इसका सारे एप्लीकेशन का कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। ऐसे रीड करूँगा तो काफ़ी टाइम लग सकता है तो वन बाई वन कर आप रीड कर सकते हो। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा वीडियो को आपको शूट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, इसके बाद अपलोड कैसे करना है, मैंने लगभग यहाँ पे बता चुका हूँ। एक शायद मिस हो रहा है यानी किसी के साउंड पे अगर वीडियो को आपको यूज करना है, वीडियो अपलोड करना है तो कैसे कर सकते हैं। सिंपल आपको जैसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको इसी साउंड पे वीडियो को अपलोड करना है या फिर शूट करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे डायरेक्ट कॉल ऑफ बैक क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूज म्यूजिक आ गया तो यहाँ से आप म्यूजिक सेलेक्ट करके इसी म्यूजिक पे आप वीडियो बना सकते हैं। सिकेट में आता है मिक्स एंड मैच, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ड्यूट वीडियो बना सकते हैं। तो आपको किस प्रकार के ड्यूट वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जिस तरह से आप टिकटॉक में ड्यूट वीडियो बनाते थे यहाँ पे उस प्रकार नहीं बना सकते, यहाँ पे थोड़ा जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया गया है।
तो आप यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ किस तरह से आपका डुइट वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं डुइट वीडियो यदि ये बनाएंगे तो आपके साथ कुछ इस तरह के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। पहले जो था एक साइड ओरिजिनल वीडियो था, एक वीडियो एक साइड आपको आपका वीडियो था, लेकिन यहाँ रोपोसो ऐप में उस प्रकार का नहीं है, कुछ चेंजिंग है। तो इस तरह से आप डुइट वीडियो भी यहाँ से बना सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो शूट हो जाएगा। वीडियो शूट होने के बाद सिंपल आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो को कैसे अपलोड करना है। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं। इसके बाद सिंपल मैं प्रोफाइल ओपन करता हूँ एक बार, सॉरी बैक। इसके बाद सिंपल मैं सेटिंग पे क्लिक करूँगा, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा। यदि आप जैसे कि आपका नाम है, नाम यदि चेंज करना चाह रहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मेल फीमेल मैंने सेलेक्ट कर रखा हूँ तो सेलेक्ट कर चुका। और यहाँ पे भी देख सकते हैं सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेन, इस तरह से आपको टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप जैसे कि ट्विटर से लिंक करना चाह रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम से लिंक करना चाह रहे हैं तो सिंपल आपको उस इंस्टाग्राम के या फिर ट्विटर के लिंक को आपको कॉपी करना है और सिंपल पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको सेव कर देना है। तो यहाँ से आपको लिंक हो जाएंगे। तो इस टॉपिक्स में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ प्रॉपर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएंगे, तो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।